नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ सुजय और यूट्यूब चैनल सुजय एग्री पर आप सबका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ धान के खेत में। और मेरे यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ धान ही धान है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हो धान का पूरा खेत है। और ऐसे खेत में घास मारने वाली दवाई का उपयोग कब करना है और कौन से घास के लिए कैसा दवाई है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहो तो पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा धान रोपाई के बाद 25-30 दिन बाद जो घास उगते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप लोग, ये जो घास है, ऐसा यदि घास जमीन में भर जाए तो उसके लिए कौन सा दवाई यूज करें ताकि ये घास पूरा नष्ट हो जाए और हमारा धान अच्छा हो और हम अच्छा पैदावार ले पाए। तो ऐसे घास मारने के लिए दवाई कौन सा है तो हम आज जानेंगे और पूरा जानकारी आप लोगों को देंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो और पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये धान का पूरा खेत है और कहीं कहीं पर ही ऐसा घास हुआ है। हालांकि यहाँ पे पहले प्रीटाक्लोर का यूज़ किया गया था टाटा कंपनी का। मैं पहले के वीडियो में जो दिखाया हो प्रीटाक्लोर, उसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कोई घास नहीं है, खेत एकदम साफ है। और इसके बाद भी ऐसे घास यदि आप लोगों के खेत में उग जाए तो कौन सी दवाई का यूज़ करें, तो आप लोगों को मैं उस दवाई के बारे में बताऊंगा। मेरे काउंटर में ही रखा है उस दवाई और आप लोग उस दवाई को देने से 100% आप लोग खेत से घास जो है नष्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने काउंटर में और उस दवाई के विषय में जानते हैं जिस दवाई को देने से आपका जो घास है वो एकदम नष्ट हो जाएगा, आपका खेत एकदम क्लीन हो जाएगा और घास एक भी नहीं रहेगा। तो उस दवाई के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हो धान का खेत है और इसमें अगर रोपाई के बाद 25-30 दिन बाद अगर ज़्यादा घास हो तो कौन सा दवाई है वो हम लोग अभी देखने जाएंगे अपने काउंटर में। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे काउंटर में। अभी हम लोग जानेंगे वो दवाई क्या है जिससे देने से धान के अंदर के जो घास है वो क्लीन हो जाएंगे और आप लोग का धान सुरक्षित रहेगा और अच्छे से अच्छा पैदावार आप लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए वो दवाई कौन सा है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि तारक, जो टाटा कंपनी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है तारक, उसको हम लोग जो देखेंगे और उसका रिजल्ट भी जानेंगे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे काउंटर में रखा हो तारक, ये आप लोग देख सकते हो। इसका पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त इसका पैकिंग है और इसका तारक का आप लोगों को 16 लीटर पानी में आप लोगों को 10 से 11 ml इसकी जो मात्रा है 10 से 11 ml पर पंप, मतलब 16 लीटर पानी में 10 से 11 ml आपको डालना है और इसके साथ 10 से 11 ग्राम ए पाउडर जो साथी पैराजो सल्फोनिथल आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन आप लोगों को जानना है। पैराजो सल्फोनिथल इसको 10 से 12 ग्राम आप लोगों को पर पंप, मतलब 16 लीटर पानी में 10 से 12 ग्राम आप लोगों को यूज़ करना है तो बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। और इस ये पूरा गारंटी के साथ 100% ये गारंटी है। और आप लोगों के जो धान के अंदर रोपाई करने के 25-30 दिन बाद जो धान के अंदर जो घास होता है वो एकदम क्लीन हो जाएगा और आपका धान जो है बहुत ही अच्छा होगा और आपका पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को पैदावार भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो दवाई है ये किसानों को दिया हुआ है और किसानों को देने के बाद उसका प्रैक्टिकल जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो आप लोग इसका यूज़ करके देखें और रिज़ल्ट कमेंट में बताएं कि कैसा रिज़ल्ट मिला है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोग शेयर करो किसानों को ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप लोग ये यूज़ करो और रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो दोस्तों, मैं फिर किसी नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करें।